तो हम मडगांव स्टेशन में पहुंच चुके हैं एंड ट्रेन से उतर भी चुके हैं। तो यहाँ हम अमरावती एक्सप्रेस से आए हैं। अमरावती एक्सप्रेस का व्लॉग ऑलरेडी अपने चैनल पे मैं डाल चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो पहले चेक कर लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसके बाद ये वीडियो देखना। ओके, ट्रेन से उतरने के बाद हम जा रहे हैं स्टेशन से बाहर। मेन गेट में हमारे पास वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो मांगा गया, तो हमारे पास ऑलरेडी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है तो इसीलिए कुछ वो सर्टिफिकेट दिखा रहे। तो आप ज़रूर, अगर आप गोवा आ रहे हो तो सर्टिफिकेट जो है पहले से लाना ज़रूर, ओके, अदरवाइज आपको यहाँ पे PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट हमारे पास था तो उसने दिखा दिया एंड हम जा रहे स्टेशन से बाहर। तो ये रहा स्टेशन के बाहर के व्यू टोटल। एक्चुअली मैं यहाँ पे अकेली खड़ी हूँ क्योंकि कुछ गया है स्कूटी लाने के लिए। चंद्रकांत भैया से हम स्कूटी रेंट कर रहे हैं एंड पर डे उसका रेट है 350 करके। तो वो स्टेशन में आए हमारे लिए एंड कुछ को लेके अपने ऑफिस गए क्योंकि वहाँ पे उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा एंड कुछ वहाँ पे सबमिट करके रखना है, लाइक वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो। देन वहाँ से वो स्कूटी लेके आएगा यहाँ एंड हम दोनों देन जाएंगे कलंगुट बीच। एंड हमारे पास जो लगेज है ओनली एक ट्रॉली एंड दो बैकपैक, तो इसीलिए इजीली हम स्कूटी से जा सकते हैं। ऑलरेडी स्कूटी लेके कुछ आ गया एंड उसको अच्छा सा स्कूटी भी मिल गया। तो स्कूटी लेने से पहले आप अच्छे से स्कूटी को चेक कर लेना कोई प्रॉब्लम है या नहीं, तो कुछ ने भी चेक कर लिया। तो हम जा रहे हैं तो इतना आवाज़ आ रहा था ना, तो मैं वीडियो का जो ओरिजिनल ऑडियो है वो उसको मैंने बंद ही कर दिया। एंड जो मैं कह रही थी, और भी एक रीज़न है स्टेशन से स्कूटी से जाना, क्योंकि हम यहाँ से नॉर्थ गोवा दैट मीन्स कलंगुट बीच जाएंगे, देन वहाँ के लोकल जो साइड से वहाँ घूमेंगे, देन नॉर्थ गोवा से जाएंगे साउथ गोवा, साउथ गोवा घूमने के बाद फिर से मडगांव आना है। रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट बोथ मडगांव पे ही है, इसीलिए अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है एंड आप खुद से राइड नहीं करना चाहते हो तो आप बाय कार जा सकते हो। कार में जाने के लिए आपको 1500 पे करना होगा फॉर मडगांव टू कलंगुट बीच। एंड अगर आप ऑटो में जाना चाहते हो तो ऑटो भी अवेलेबल है, वो लोग आपको 1200 चार्ज करेगा, कभी कभी बार्गेन करके वो 1100 भी हो सकता है। बट आई विल सजेस्ट ऑटो से ना जाओ, वही आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि मडगांव स्टेशन से कलंगुट बीच एक डिस्टेंस है, तो बाय कार ही जाना बेहतर होगा। कलंगुट बीच में जाने के बाद वहाँ बहुत सारे जगह है, वहाँ से भी आप स्कूटी रेंट ले सकते हो, वहाँ पे 400 करके चार्ज होगा, मैंने चेक करा है बहुत सारे जगह पे, तो आप वहाँ से भी आप स्कूटी रेंट कर सकते हो। मडगांव स्टेशन में थोड़ा कुछ जगह है जैसे कि मडगांव मार्केट हम देखना चाहते थे तो गए, तो वहाँ पे ओनली फ्रूट्स एंड फ्रूट्स ही है, देखिए कुछ भी नहीं है फ्रूट्स के अलावा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड बहुत सारे फ्रूट्स है। एंड उसके बाद एक चार्ज गए हम, तो चार्ज के सामने एक कॉफिन का शॉप मिला हम लोगों को, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट क्योंकि मैंने कभी भी कॉफिन का शॉप नहीं देखा एंड कैसे कॉफिन बनता है, क्या करा जाता है, कभी नहीं देखी। तो हम उसके अंदर चले गए, एक्चुअली शॉप के अंदर चले गए, तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ कॉफिन है, डिफरेंट काइंड नहीं, कलरफुल, किसी पे गोल्डन वर्क है, किसी पे सिल्वर वर्क, एंड एक कॉफिन में वो लोग पॉलिश भी कर रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए हमने वह देखा एंड देन चले आए। तो यहाँ पे एक चर्च है, होली स्पिरिट चर्च, मरगांव में ही है, इसके सामने ही है वो शॉप जहाँ पे कॉफिन मिलता है। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गए घूमने के लिए एंड ये जो चर्च बंद था, हमें एंटर नहीं करने दिया, तो हमने वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठी एंड चले गए। एंड यहाँ पे भी आपको बहुत सारा कलरफुल हाउस मिलेगा, जैसे कि पंजी में मिलते हैं वैसे कलरफुल हाउस आपको मिलेगा दिखने में, आप यहाँ पे भी फोटोशूट कर सकते हो, बट हम बहुत टायर्ड थे तो कोई भी फोटोशूट नहीं हुआ हम लोगों का। एंड देन हम निकल पड़े नॉर्थ गोवा के लिए, नॉर्थ गोवा दैट मीन्स कलंगुट बीच के लिए, क्योंकि हम कलंगुट बीच में ही रहने वाले हैं। तो रास्ते में कुछ वर्क भी हो रहे थे देखिए। बहुत ही अच्छा है ये रोड, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा स्कूटी राइड करने में क्योंकि ये NH है, तो NH में तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है ना, तो आप इजीली राइड कर सकते हो स्कूटी हो या फिर कार। ये देखो, इसको वीडियो देख के अपना मार्क्स ठीक करना पड़ा एंड मुझे देखो, मैं पूरा रैप हो गई हूँ, मेरे मार्क्स एंड स्कर्फ सब कुछ लगा लिया। सब होटल से निकल चुके हैं, पहले हम होटल के उसके
बाद चेंज करा, देन खाना खाया कुछ इवनिंग स्नैक्स एंड उसके बाद बाहर निकल गए। तो आज अभी बीच में नहीं गए, बाहर गए थोड़ा कुछ खरीदना है तो वो ले लेते हैं, उसके बाद बीच में जाएंगे। तो अभी फिलहाल बाहर ही है, चलो घूमते हैं। यहाँ पे टिबेटियन हैंडक्राफ्ट एंड सोविनियर्स मार्केट, तो मार्केट आपने देख रहे हो ना, सबका रेट बहुत ही हाई है। जो आपको नॉर्मल मार्केट पे 200 में मिल जाएगा, यहाँ पे 400-500 करके है। यहाँ पे एक सुपर मार्केट है, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, सब कुछ है यहाँ पे, स्पेशली आपको जो जो चाहिए यहाँ पे रहने के लिए। तो हम आए तो हमें पानी चाहिए और भी कुछ सामान चाहिए, वो हम लेके होटल पे जाएंगे एंड वहाँ से फिर बीच में जाएंगे। तो हमने 20 लीटर के वाटर जार ले लिया क्योंकि हमें 3 दिन रहना है तो पानी तो चाहिए ज़्यादा, एंड आप 5 लीटर की भी जार ले सकते हो, एंड एक प्लास्टिक बॉटल भी प्लास्टिक ग्लास भी ले लिया, पानी निकलने के लिए इजी होगा। इसीलिए जार को रूम पे रख के हम निकल पड़े बीच की तरफ। तो बीच में हम आ चुके हैं, एंड इतना साउंड हो रहे थे ना इसमें तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो इसलिए मैं फिर से ऑडियो बंद कर दिया। एंड यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, एंड होटल से ये बीच ओनली 2 मिनट्स लगता है, तो इतना करीब है हमारे होटल से बीच साइड, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ का नज़ारा देखिए, कितना सुकून मिलता है यहाँ पे आने के बाद। एक्चुअली हम पहले दिन ही आज ही हम पहले आए हैं, एनीवे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम थोड़ी देर के लिए इन द सेंस हम 30 मिनट्स के लिए यहाँ पे बैठे, सैंड के ऊपर ही बैठे, बहुत ही अच्छा लग रहा था सैंड के ऊपर बैठने में। एंड आज बहुत टायर्ड थे तो ज़्यादा देर के लिए बैठ नहीं पाया, आधा घंटे के बाद हम रूम पे चले गए एंड वीडियो नहीं कर पाए। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम सुबह सुबह बीच आ गए, वहाँ से लेके इधर तक आए, एंड हम चाहते थे उधर तक जाना बट उतना अभी नहीं जा पाए। बैठ गए यहाँ पे हम दोनों एक साथ एंड व्यू का मज़ा ले रहे फिलहाल। तो कल एक्चुअली हमने ब्लॉग का एंडिंग नहीं करा था, मैं टायर्ड था, मैंने कह चुकी हूँ, तो मैं सो गई थी, हम सो गए थे, सो इसीलिए कल हमने ब्लॉग एंडिंग नहीं किया, आज कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ। तो ये रहा डे 1 इन गोवा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, देना समथिंग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, डे 2 में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाय बाय।